हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, माइनिंग फॉर क्रिटिकल मिनरल्स तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। व्हाट इज़ द ऑक्शन प्रोसेस, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। तो ऑक्शन प्रोसेस क्या है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, चलिए देखते हैं। 20 ब्लॉक्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल आर करंटली ऑन ऑक्शन फॉर कमर्शियल माइनिंग बाय द प्राइवेट सेक्टर। दे कंटेन लिथियम ओर, पहली बार जो लिथियम ओर विच हैज़ यूजेस इन बैटरी एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड अनदर 10 ऑफ द 30 मिनरल्स दैट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड एज क्रिटिकल इन जुलाई। तो इसको अब क्रिटिकल मिनरल मान लिया गया है। द बिडिंग बिगैन ऑन नवंबर 29 एंड विल कंटिन्यू अंटिल जनवरी 2022। तो मतलब अगले साल के जनवरी तक। द टोटल वैल्यू ऑफ दिस ब्लॉक्स इज एस्टिमेटेड एट ₹45,000 करोड़ सब्जेक्ट टू फर्दर डिस्कवरीज ऑफ रिविजन इन इनफर्ड रिजर्व्स। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट राइट्स रिलेटेड टू माइनिंग लिथियम ओर आर बींग ऑक्शन टू प्राइवेट पार्टीज। अदर मिनरल इन ब्लॉक्स इंक्लूड निकल, कॉपर, मोलिब्डन एंड रेयर अर्थ मिनरल्स REEs। ऑल दिस मिनरल्स आर यूज्ड इन की सप्लाई चेन फॉर व्हीकल बैटरीज, एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वाइटल इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। वेर आर दिस क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक एंड वॉट राइट्स आर बींग ऑक्शन। द नोटिस इन्वाइटिंग टेंडर NIT, तो टेंडर के लिए जो नोटिस जारी किया जाता है, नोटिस इन्वाइटिंग टेंडर NIT फ्लोटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस सेज दैट 20 ब्लॉक्स आर स्प्रेड ओवर 8 स्टेट्स। 7 ब्लॉक्स आर इन तमिलनाडु, 4 इन उड़ीसा, 3 इन बिहार, 2 इन UP एंड 1 each इन गुजरात एंड झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर। 4 of 20 ब्लॉक्स आर बींग ऑक्शन फॉर अ माइनिंग लाइसेंस, विच मीन्स द लाइसेंस कैन बिगिन माइनिंग इमीडिएटली आफ्टर द रिक्विजिट क्लियरेंस आर ऑब्टेन्ड। 3 of माइनिंग लाइसेंस ब्लॉक आर इन उड़ीसा एंड कंटेन डिपॉजिट ऑफ निकल, कॉपर, ग्रेफाइट एंड मैंगनीज। द 4th one इज तमिलनाडु दैट कंटेन डिपॉजिट्स ऑफ मोलिब डेनम। ठीक है, वॉट सॉर्ट ऑफ राइट्स आर बींग ऑक्शन फॉर द रिमेनिंग 16 मिनरल ब्लॉक्स। दे आर बींग ऑक्शन फॉर कंपोजिट लाइसेंस, इधर माइनिंग के लिए है, इधर कंपोजिट है, विच अलाउज अ लाइसेंस टू कंडक्ट फर्दर जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ एरिया टू असर्टेन एविडेंस ऑफ मिनरल कंटेंट। वंस द लाइसेंस कलेक्ट एफिशियंट इंफॉर्मेशन ऑन माइनिंग डिपॉजिट्स, इट्स कैन अप्लाई फॉर अ स्टेट्स गवर्नमेंट टू कन्वर्ट द CL टू ML। तो आपका कंपोजिट लाइसेंस जो है चेंज हो जाएगा आपका किसमें, माइनिंग लाइसेंस में। ठीक है, ये हो गया। लाइसेंस हैज 3 to 5 year टू कंप्लीट द प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ एक्सप्लोरेशन, फॉलिंग विच द फेलिंग विच द लाइसेंस विल बी विदड्रॉन। अगर ये कुछ यहाँ पे बात नहीं बनती है तो लाइसेंस आपका कैंसिल हो जाएगा। व्हाट अदर क्लियरेंस विल बी रिक्वायर्ड बिफोर ऑपरेशंस बिगिन। द NIT तो नोटिस इनवाइटिंग टेंडर नोट्स दैट द टोटल टोटल कंसेशन एरिया of 7,197 हेक्टेयर फॉर 20 ब्लॉक्स, 17% ऑफ और 1,234 हेक्टेयर इन फॉरेस्ट लैंड विथ स्टेटस एज पर PM गति शक्ति पोर्टल, द सेंटर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अराउंड द कंट्री। द लाइसेंस हैज टू बी ऑब्टेन 15 अप्रूवल्स एंड क्लियरेंसेस बिफोर ऑपरेशन कैन बिगिन। दिस इंक्लूड फॉरेस्ट क्लियरेंस, इन्वायरमेंट क्लियरेंस, ग्राम सभा कंसेंट एक्सेट्रा। वॉट आर द एस्टिमेट्स रिजर्व इन दिस ब्लॉक्स, 2 लिथियम ब्लॉक, 1 each इन जम्मू एंड कश्मीर एंड छत्तीसगढ़ आर अप फॉर ऑक्शन फॉर अ CL। तो आपका ये कंपोजिट लाइसेंस है। अकॉर्डिंग टू NIT द जम्मू एंड कश्मीर ब्लॉक हैज इनफर्ड रिजर्व ऑफ 5.9 million tons ऑफ बॉक्साइट विच कंटेन मोर देन 3,400 टन ऑफ लिथियम मेटल कंटेंट। The block has more than 70,000 ton of titanium metal content. The block in Chhattisgarh contains lithium and rare earth metals, but no drilling has been done to estimate its total reserve. 3 blocks, 1 each in Bihar, Gujarat and Odisha, have nickel ore. No drilling has been conducted for block in Bihar and Gujarat. The Odisha block has inferred to serve for 2.05 million ton of nickel ore. तो यहाँ भी निकल ओर है, कहाँ पे, उड़ीसा में आपका, विच अमाउंट्स टू 3,908 टन ऑफ निकल मेटल कंटेंट।
दिस ओडिशा ब्लॉक इज बीइंग ऑक्शन फॉर ML, तो यहाँ पे डायरेक्ट माइनिंग लाइसेंस मिलेगा क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे खोज हो गया है। इट इज ऑल्सो द ओनली ब्लॉक अमंग द 20 दैट कंटेन्स डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर अमाउंटिंग 6.09 मिलियन टन ऑफ कॉपर ओर एंड 28,000 टन ऑफ कॉपर मेटल कंटेंट। हाउ डज इंडिया करेंटली गेट इट्स सप्लाई ऑफ दिस मिनरल? मिनिस्ट्री माइंस प्रहलाद जोशी टोल्ड लोकसभा इन ऑगस्ट दैट फाइनेंशियल ईयर 23 इंडिया इम्पोर्टेड 2,145 टन ऑफ लिथियम कार्बोनेट एंड लिथियम ऑक्साइड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹732 करोड़। लिथियम कार्बोनेट कंटेन अप टू 19% लिथियम। लिथियम ऑक्साइड विच इज यूजली कन्वर्टेड टू लिथियम हाइड्रोक्साइड कंटेन 29% लिथियम। इंडिया हैज़ ऑल्सो इम्पोर्टेड 32,000 टन ऑफ द अनरॉट निकल फॉर ₹6,549 करोड़ एंड 1.2 मिलियन टन ऑफ कॉपर ओर फॉर ₹27,000 करोड़ इतना। इंडिया इज 100% रिलायंट ऑन इम्पोर्ट्स फॉर इट्स लिथियम एंड निकल डिमांड। फॉर कॉपर दिस फिगर इज 93%। वॉट विल हैपन आफ्टर द ऑन गोइंग राउंड ऑफ ऑक्शन इज लोअर? द बिडिंग प्रोसेस बिगेन आफ्टर द गवर्नमेंट डिक्लेयर 30 मिनरल एज क्रिटिकल मिनरल एंड अमेंडेड अ की लॉ टू अलाउ फॉर माइनिंग of three critical mineral lithium niobium and rare earlier this year. To attract bidder the government also specified new royalty rates for critical mineral matching global benchmark. The process to auction a second tranche of critical mineral block is expected to begin after the current round is over. It is unclear if the second tranche would include new lithium reserve found in Rajasthan and Jharkhand. The ministry told Parliament that the Geological Survey of India has taken up 125 projects in the current fiscal to explore critical mineral reserve in country. In the preceding 8 fiscal year, total 625 minerals exploration projects were undertaken. The ministry reports to the Committee on Identification of Critical Mineral Lease in June this year recommended that Center of Excellence for Critical Mineral should be established to frame policies an initiative for creating complete value chain of critical mineral in a country. इसमें हमारे लिए एग्जाम में क्या होनी चाहिए पता तो होनी चाहिए क्योंकि हमारा देश है पर सबसे पहले लिथियम और ठीक है इसमें माइनिंग में जो हो रहा है क्रिटिकल मिनरल में है ठीक है क्या क्या आपका है अदर मिनरल ब्लॉक्स में निकल है कॉपर है मोलिब्डम है और रेयर अर्थ मेटल्स है ठीक है उसके बाद नोटिस टेंडर होता है ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस निकालती है 8 स्टेट्स में 20 ब्लॉक्स है। अब देखो 7 ब्लॉक्स तमिलनाडु में है तो तमिलनाडु में 7 है उड़ीसा में 4 है अब देखिए उड़ीसा में 4 हो गया बिहार में 3 है यूपी में 2 है अब गुजरात झारखंड छत्तीसगढ़ जम्मू कश्मीर गुजरात झारखंड छत्तीसगढ़ जम्मू कश्मीर में इन सब में एक एक ब्लॉक है ठीक है ये हमने देख लिया। माइनिंग लाइसेंस इसमें 20 ब्लॉक्स में से 4 out of 20 को मिलना है माइनिंग लाइसेंस और 16 out of 20 को मिलना है आप ये कंपोजिट लाइसेंस ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है पता होना चाहिए। माइनिंग लाइसेंस में क्या है आप डायरेक्टली माइनिंग स्टार्ट कर दोगे और इसमें क्या है पहले आप जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन करोगे यहाँ पे आप डायरेक्ट माइनिंग करोगे अरे जब क्लियरेंस हो गए डायरेक्ट माइनिंग करोगे और यहाँ पे आप जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन करोगे ठीक है ये हो गया कंपोजिट लाइसेंस में ये 3 से 5 साल के लिए होगा उसके बाद आपका विड्रॉ कर दिया जाता है और अगर आपका यहाँ पे कुछ मिल गया आपको ढंग का चीज फिर ये आपको इसमें कन्वर्ट हो जाता है ये तो नॉर्मल चीज हो गया। अब क्लियरेंस कितने चाहिए तो बहुत सारे 15 अप्रूवल्स शायद से चाहिए कैसे फॉरेस्ट इन्वायरमेंट ग्राम सभा 15 अप्रूवल्स चाहिए होंगे। एस्टिमेट्स रिजर्व कितने हैं 2 लिथियम ब्लॉक है
वैसे तो अब देखो जितने हो गए ना, 4 लिथियम ब्लॉक हो गए जम्मू एंड कश्मीर में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, झारखंड में। ठीक है, अब यहाँ पे जो टंस दिया हुआ है वो याद करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो उड़ीसा बिहार गुजरात में क्या है, उड़ीसा बिहार गुजरात में क्या है, यहाँ पे निकल है। ठीक है, और फिर अलग से उड़ीसा में और भी क्या है आपका, कॉपर है। उड़ीसा ब्लॉक बी इन ऑक्शन फॉर मिन आपका माइनिंग लाइसेंस, डायरेक्ट उड़ीसा में माइनिंग होगा। ठीक है, कंटेन डिपॉजिट्स इतना, निकल इसमें है और इन दोनों में कॉपर नहीं है, ये सिंपल सी बात है, इसमें सिर्फ निकल है। अब माइनिंग इन्होंने क्या बताया, हम पहले इम्पोर्ट करते हैं 19% लिथियम, 29%, ये सभी इम्पोर्ट, पहले इम्पोर्ट से आता है अपना सब। ठीक है, ऑक्शन के बाद क्या होगा, 30 मिनरल क्रिटिकल जो है, एक और चीज़ हमें पता होना चाहिए, क्रिटिकल मिनरल कौन कौन से हैं और रेयर अर्थ आपके जो है एलिमेंट्स, हमें पता होने चाहिए कौन कौन से हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये पता होने चाहिए। ये तो बाकी माइनिंग लाइसेंस मैंने बता दिया, कंपोजिट लाइसेंस बता दिया, कितने ब्लॉक्स है, कहाँ पे क्या क्या ब्लॉक है, कहाँ पे क्या मिल रहा है, ये भी हमने देख लिया। बस इतना ही था, थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।